धान की खरीद में देरी को लेकर किसानों और कारोबारियों ने संयुक्त रूप से लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और कार्यकारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि धान की फसल को मंडियों में आए 10 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने 15 सितंबर की तारीख बदलकर 1 अक्टूबर कर दी है। अनाज मंडी के अंदर धान की फसल की आवक शुरू हो गई है और किसानों का ये कहना है कि फसल जो है हमने इन टाइम पे जो है पकने के बाद हम ले आए हैं और सरकार की तरफ से जो है इसकी जो खरीद की तारीख है वो 23 दिसंबर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई। क्या कारण है इसका? सर, ये तो सरकार के डिसीजन से मंडी में आवक आ रही है, मंडी में तो आवक आ रही है जी, 24,000 क्विंटल के आसपास हमारी मंडी के अंदर आवक आ रही है। तैयारियाँ हमारी जब स्टार्ट है सारी तैयारी हुई हुई हैं, जिस हिसाब से सरकार डिसीजन लेगी हम परचेज स्टार्ट करवाएंगे। सेक्टर साहब, पहले धान का क्या रेट था और अब सरकार ने क्या रेट तय किया है इसका? 2320 रुपये रेट हो गया जी PR का, जो ठीक है रेट। तो किसानों के लिए और यहाँ पर जो मंडी के अंदर व्यवस्था की जाती है, खासकर शौचालय, बिजली और लाइटिंग और इस तरह की और सफाई वगैरह मजदूरों को लेकर, प्रधान जी आज किसान और आढ़ती इकट्ठे होके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? आज धान के जो हम खरीद है उसको लेकर आढ़ती और किसान जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं और DC साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी धान की फसल बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है और तकरीबन 10 दिन से अनाज मंडियों में भी आ रहा है। तकरीबन जिले की हर मंडी अनाज से अटी पड़ी है और लंबे समय से हम मांग करते हैं कि जो सरकार की पॉलिसी है अनाज खरीदने की 1 अक्टूबर की, वो सदियों पुरानी है। 1966 से जब हरियाणा बना था तब से है, उसमें अब जो है कम दिनों की वैरायटी आ गई है, जो तकरीबन 90 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। अगर 15 जून से जो सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है अनाज मंडी के अंदर धान की फसल